बच्चों, आज का हमारा पिछली वीडियो में हमने देखा था प्रोटीन का वर्गीकरण, और वर्गीकरण में हमने देखा था व्युत्पन्न प्रोटीन, डायरेक्ट प्रोटीन के डायरेक्ट प्रोटीन को देखा था, और साथ ही साथ उसके देखा था बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, देखा था प्रोटीन का जैविक महत्व को देखा था। आज हम देखने वाले हैं क्या अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण, अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है ना। तो हमको ये याद रखना है कि अमीनो अम्ल किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से निर्मित होते हैं, और ऑक्सीकरण क्या कहता है, ऑक्सीकरण क्या कहता है कि अमीनो अम्लों का टूटना, ब्रेक, ठीक है ना। अब प्रोटीन या कह सकते हैं हम अमीनो एसिड, ठीक है ना, अमीनो अम्लों का टूटना। अब इनके टूटने से क्या उत्पाद बनकर आता है वो हमको प्रोसेस देखना है, लेकिन ये तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इनको तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब भी एक शरीर, जब भी किसी भी शरीर में किसी भी जंतु के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा के अपघटन के लिए सबसे पहले यूज़ में लिया जाता है क्या, आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन हो जाता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है पूर्ण कार्बोहाइड्रेट, तब ऊर्जा की उत्पत्ति, ऊर्जा की यदि ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत को पूरा कौन करेंगे, हमेशा प्रोटीन जरूरत पूरा करेंगे, ठीक है ना। प्रोटीनों के द्वारा क्या होगा, उस ऊर्जा को पूरा किया जाएगा, मतलब अमीनो अम्ल को तोड़ा जाएगा और ऊर्जा को मुक्त किया जाएगा। इनके अमीनो अम्लों के टूटने से क्या अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, ये क्या होते हैं का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये सारे क्या हैं, ये आपस में क्या है, हानिकारक पदार्थ हैं, विषैले हानिकारक पदार्थ। तो इन पदार्थों क्या होगा, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। तो अभी हमको देखना है अमीनो अम्लों का क्या देखना है, ऑक्सीकरण देखना है, अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण देखना है। अगर मान लो अमोनिया का निर्माण हो रहा है, अमीनो अम्लों में अमोनिया कहाँ से है, अगर अमीनो अम्ल की बात की जाती है तो अमीनो अम्ल में एक चीज़ तो हमको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ साथ एक मुख्य सब्सटेंस नाइट्रोजन जरूर पाया जाएगा। इस नाइट्रोजन के बिना इन अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं हो सकता, इन अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए एक सिंगल अमीनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाती है, अमीनो एसिड की अगर स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, वो इस प्रकार से, मतलब इसमें क्या हो, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, या आर कार्बन नंबर ऑफ चेंज हो सकता है एच, ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर ये नाइट्रोजन किसी भी कारणवश ये जो अमीनो ग्रुप है किसी भी कारणवश अमोनिया में चेंज हो जाए, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से किसी भी कारणवश CO2 निकल जाए, ठीक है ना, क्या निकल जाए, CO2 निकल जाए, किसी भी माध्यम से कोई भी हानिकारक पदार्थ बनता है, या दूसरी भाषा में और बोला जाए कि अमीनो अम्ल क्या होता है, किसी भी कारणवश टूटता है, तो एक नए उत्पाद का क्या होगा, निर्माण होगा, और उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या होगी, कुछ मात्रा में ऊर्जा मुक्त होगी, और साथ में कुछ पदार्थ उत्पाद का क्या होगा, यहाँ पे सह उत्पाद बोल सकते हैं, बाई प्रोडक्ट, सह उत्पाद का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण की क्रिया होगी। तो हमको आज यही देखना है पूरा का पूरा, ठीक है ना। तो हमने अमीनो अम्ल के ऑक्सीकरण की बात की है, अमीनो अम्ल के क्या ऑक्सीकरण की हमने बात की है। तो अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तीन टाइप से, अमीनो अम्ल का ऑक्सीकरण होता है तीन टाइप से। पहला होता है वी अमीनीकरण, पहला होता है वी अमीनीकरण, डी अमीनेशन,
सेकंड होता है अमीनीकरण, सेकंड होता है अमीनीकरण ट्रांसएमिनेशन, ट्रांसएमिनेशन, और थर्ड होता है आपका क्या, विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सीकरण डिकार्बोक्सिलेशन, डिकार्बोक्सिलेशन। तो फर्स्ट हमको अभी देखना है क्या है, विअमीनीकरण। यह डीएमिनेशन, ठीक है ना, विअमीनीकरण। तो विअमीनीकरण को अगर देखा जाए तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं, अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्लों से अमीनो समूह हटाकर, समूह हटाकर अमोनिया का निर्माण करना। क्या करना, अमोनिया का निर्माण होना, क्या कहलाएगा, विअमीनीकरण कहलाएगा। तो वी का मतलब है किसी भी चीज़ का हटाना, डी का मतलब हमने डिकार्बोक्सिलेशन बहुत जगह पढ़ा था, ऐसे अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड बनता है, ठीक है ना। अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड में CO2, जैसे कि क्रैब्स चक्र में हमने पढ़ा था अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड का फॉर्मेशन, उसमें डिकार्बोक्सिलेशन था, मतलब CO2 का हटना, CO2 का हटना। इसी प्रकार से डीएमिनेशन भी ये कह रहा है कि अमीनो ग्रुप किस में से हट जाए, कोई भी अमीनो अम्ल है उसमें से अमीनो ग्रुप हट जाए, क्या बना ले, अमोनिया का क्या कर ले, निर्माण कर ले। तो ये विधि क्या कहलाएगी आपकी, एक विधि कहलाएगी आपकी अमीनीकरण, ये विधि कहलाएगी आपकी अमीनीकरण। तो इसको हम और प्रकार से क्या कर सकते हैं, बांट सकते थे, और प्रकार से क्या कर सकते थे हम लोग, बांट सकते थे। तो इसमें फर्स्ट आता है ऑक्सीकारी विअमीनीकरण, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीकारी विअमीनीकरण, ऑक्सीकारी विअमीनीकरण, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे नाम से समझ में आ रहा है, अमोनिया का निर्माण होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अमोनिया का निर्माण हो किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो अगर हम एक मान लो सिंगल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिंगल अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर यदि बनाई जाए तो कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है, क्या, NH2। तो हमने बोला ऑक्सीकारी, मतलब O2 क्या होगी, प्रेजेंट पाई जाए, O2 क्या हो, प्रेजेंट पाई जाए। साथ ही साथ में ये टूट रहा है, टूटने का मतलब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है, टूटने का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। इसीलिए इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेज एंजाइम को काम में ले सकते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेज एंजाइम। अब यहाँ पे हमने लगा दिया हाफ O2, मतलब O2 का क्या है, एक अणु है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से बना देता है। मैं कह रहा हूँ ये जो H है ये शिफ्ट हो जाता है इस पे, ये जो H है ये शिफ्ट हो जाता है किस पे, NH तो ग्रुप पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके पास संरचना बन के आएगी अब, ठीक है ना। ये O इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा, जिससे कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। और साथ में ये H जाके किससे जुड़ जाएगा, NH2 से, तो NH2 से NH3 बन जाएगा। और ये क्या होता है, अमोनिया होता है, ये क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है ना। इस अमोनिया को क्या कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा, बॉडी से बाहर क्या हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा। क्यों, NH3 क्या होता है, वेरी हार्मफुल प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा ये क्या है, हानिकारक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हानिकारक पदार्थ के रूप में है तो इसको क्या किया जाता है कि कुछ तत्वों के रूप में त्यागा जाता है, कुछ तत्वों के रूप में त्यागा जाता है, ठीक है ना। इसको
अमोनिया को पहले हम या चेंज कर सकते हैं किसमें, यूरिक एसिड में चेंज कर सकते थे। जैसे कुछ एवीज वर्ग के जंतु होते हैं उनमें यूरिक एसिड के रूप में फॉर्मेशन होता है, यूरिक एसिड में चेंज हो सकता था, या यूरिया के रूप में चेंज हो सकता है। अगर जलीय जीव है तो ये अमोनिया को डायरेक्ट त्याग कर सकते थे। तो इसके तीन मेथड होते हैं। तीन मेथड के आधार पर जीवों को हमने उत्सर्जन के आधार पर तीन में बांटा हुआ है। पहला होता है अमोनिया उत्सर्जी, फिर दूसरा होता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी, तीसरा होते हैं यूरिया उत्सर्जी। तो मनुष्य क्या है, यूरिया उत्सर्जी है। जो एवीज वर्ग के प्राणी होते हैं जैसे कि जितने भी बर्ड्स होते हैं या पक्षी वर्ग के जितने भी होते हैं, वो यूरिक अम्ल के रूप में, क्रिस्टल्स के रूप में इसका त्याग करते हैं। जितने भी जलीय जीव होते हैं वो अमोनिया का डायरेक्ट त्याग कर सकते हैं, क्योंकि अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है। अत्यधिक पानी की क्या होती है, इसका आवश्यकता होती है, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोडक्ट है जो, ये जो क्रिया है ये डायरेक्ट नहीं होती। इसके लिए क्या होता है, एक फ्लेविन एंजाइम होता है। फ्लेविन एंजाइम होता है, सबसे पहले आकर किस पे काम करता है, वो एक अमीनो अम्ल पे क्या करेगा, आकर काम करेगा, ठीक है ना। अमीनो अम्ल पे क्या करेगा, काम करेगा, और काम करने के बाद में क्या करेगा, क्या बनाएगा, अल्फा अमीनो अम्ल बनाएगा, अल्फा अमीनो अम्ल बनाएगा, जिसको हम इस प्रकार से कह सकते थे, आर सी एच एन एच टू सी ओ एच। ये क्या है, अमीनो अम्ल। ये क्या है, अमीनो एसिड, ठीक है ना। अमीनो एसिड पे काम किया किसने, फ्लेविन ने काम किया, फ्लेविन एंजाइम ने काम किया। और फ्लेविन एंजाइम किस में चेंज हो जाएगा, फ्लेविन फ्लेविन एच टू में क्या हो सकता है, आसानी से चेंज हो सकता है। अब एच टू का प्रोडक्ट कहाँ से आया, एच टू यहाँ से आया, एच टू ओ टू है जो, वो एच टू ओ प्लस ओ टू में चेंज हो जाता है। अभी ओ टू कहाँ जाके जुड़ेगा, इस अमीनो अम्ल के साथ क्रिया करेगा, जो कि ये वाला था वो ओ टू ये यहाँ पे क्या करेगा, क्रिया करेगा। इसके क्रिया करने से अपने पास प्रोडक्ट बन के आएगा क्या, एक आर सी डबल बॉन्ड और ये क्या होता है, अस्थाई उत्पाद। ये स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है, या कह सकते हैं मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में इसका क्या होगा, निर्माण होगा, जिसको हम बोल सकते हैं अल्फा इमीनो इमीनो अम्ल, अल्फा इमीनो अम्ल। अब इस अम्ल पे किसकी क्रिया होगी, हमेशा H2O की क्रिया होगी, और इससे क्या हो जाएगा, NH2 का अणु जो है बाहर निकल जाएगा। तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते थे, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये वाला जो O था, या ये कह सकते हैं O2 था, वो क्या हो गया, आके जुड़ गया, और यहाँ पे जो H2O का S था वो यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो इससे क्या निकल जाएगा, NH3। अमोनिया क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिलीज हो जाएगी, और साथ में क्या बन जाएगा, अल्फा कीटो एसिड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा, अल्फा कीटो एसिड का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो FAD है, FAD या फ्लेविन एडिनिन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना, ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो जाएगा, वापस से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वापस से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस वापस से रिसाइकलेबल है, चलता रहेगा, पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होता रहेगा, चलता रहेगा, और अमोनिया का फॉर्मेशन धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है ना। जिससे H2O का निर्माण हो, H2O2 का निर्माण हो, H2O2 वापस से एंजाइम की उपस्थिति में H2O और O2 में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वापस से क्या होगा, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O जल में और ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, टूट सकता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से इस क्रिया को हम चला सकते थे किससे, अगर यकृत कोशिकाओं में बात करते हैं, यकृत कोशिकाओं में बात करें तो ग्लूटामिक एसिड से भी इसको क्या कर सकते थे, चला सकते थे। इसको लिख सकते हैं इन लिवर सेल यकृत कोशिकाओं में यकृत कोशिकाओं में पाया जाता है ग्लूटामिक एसिड C H O H और C H O H। ये होता है आपका ग्लूटामिक एसिड, ठीक है ना, ग्लूटामिक एसिड। इस पर हमको क्रिया करानी है हमेशा की तरह H2O की, किसकी तरह, H2O की। तो हम यहाँ पे एंजाइम ले सकते हैं ग्लूटामिक
डी हाइड्रोजनेज, ग्लूटामिक डीहाइड्रोजनेज। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो NH2 का जो ग्रुप था, यहाँ से जो H है ये शिफ्ट हो जाएगा इस पे, जिससे क्या इस प्रकार का उत्पाद बनेगा और H2 आकर इस पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ से साथ में क्या बनेगा आपका NH3 अमोनिया बनेगा। अमोनिया क्या हो जाएगा, यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा और आपके पास बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। और ये जो अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है ये किस में पाया जाता है, क्रैब साइकिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, क्रैब साइकिल में पाया जाता है। यहाँ से क्या होगा, आपके आगे क्रैब साइकिल में जाकर उत्पाद का निर्माण और एनर्जी का क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो हमने देखा है अभी ये जो अमोनिया बनती है, अमोनिया तीन प्रकार से त्यागी जा सकती है। पहली थी इन फॉर्म ऑफ अमोनिया, अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है ना, जो कि क्या करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स रिलीज करते हैं। यूरिक एसिड के रूप में एविज क्लास के जितने भी होंगे प्राणी, ये यूरिया मैमल्स, स्तनी वर्ग के जितने भी प्राणी होते हैं वो किसका किसके रूप में फॉर्मेशन करते हैं, यूरिया के रूप में इसको चेंज कर लेते हैं अमोनिया को, ठीक है ना। तो अगर हमने बात की अमीनो अम्ल था, उसमें फ्लेविन एंजाइम काम करता है, ठीक है ना, H2O2 परोक्साइड को तोड़ देता है, किसमें H2 और O2 में, कि निरंतर चलती रहेगी। इससे क्या होगा, अल्फा इम्यूनो अम्ल का निर्माण होगा। ये क्या होगा, अस्थाई उत्पाद मीडिएटर के रूप में, मध्यवर्ती के रूप में निर्मित होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका अल्फा कीटो अम्ल का निर्माण होगा, साथ में अमोनिया का निर्माण होगा, और अमोनिया को क्या कर देगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर अगर बात की जाए लिवर में, लिवर में क्या पाया जाता है, ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। ग्लूटामिक डिहाइड्रोजनेज की उपस्थिति में क्या बना लेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड, और ये कहाँ चल जाएगा, क्रैब साइकिल में चले जाएगा, और साथ में अमोनिया का क्या हो जाएगा, यहाँ पे निर्माण की क्रिया हो जाएगी। बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।